पठान फिल्म के गाने को लेकर हो रहे विरोध पर सूफी गायक और बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा कि भगवा साधु संतों को ही अच्छा लगता है, जैसा जीवन हो वैसा ही पहने। सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी के प्रश्न पर हंसराज हंस बोले कि सेंसर बोर्ड की पहले जिम्मेदारी है। बंगाल के एक मंच से दिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बयान पर उन्होंने कहा कि सीधी और साफ बात यह है कि हम सब इंसान हैं, सभी ने बोला है कि गॉड इज वन, उनके नाम पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो के बयान पर हंसराज हंस ने व्यंग्यात्मक प्रक्रिया देते हुए कहा कि वो वहां का पप्पू है, पाकिस्तान के पप्पुओं को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और भगवान साधु संतों को अच्छा लगता है, जैसा जीवन हो वैसा पहने। तो कहते काले मैंडे कपड़े, काला मैंडा वेश, गुन ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। तो बाबा फरीद ने लिखा था। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सोचना चाहिए फिल्म वालों को कि कौन सी चीज़ किसको जचेगी। हाँ जी, सेंसर बोर्ड की तो पहले है जिम्मेदारी। ये तो भारत है, महान देश है, इसमें हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, जहाँ करवाया ही जाता है फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी। पता नहीं क्या 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 हो रहा है अभी। इसको लेकर बंगाल में एक मंच पर अमिताभ बच्चन साहब और शाहरुख खान ने भी कमेंट किए। क्या किए, क्या कमेंट्स किए? अमिताभ बच्चन साहब ने विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर बोला, शाहरुख खान ने नेगेटिविटी को लेकर। उन्होंने ये कहा कि जो इस तरह का जो विरोध हो रहा है वो हमको आपस सब लोगों को आपस में जो कम्युनिटी है उसको तोड़ने के लिए ये विरोध की चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो उन्होंने कोई इसके नाम नहीं लिए, लेकिन उसमें कहा उन्होंने कि सब विरोध जो हो रहे हैं वो तोड़ने के लिए उसको जोड़ा उससे लिया। सीधी और साफ बात ये है कि हम इंसान हैं, सबसे पहले हम इंसान को सुपर क्रिएशन ऑफ गॉड के कहा गया है, और हर धर्म के जो रहबर हुए हैं, जो लीडर हुए, जो रूहानी रहबर हुए कह लें, अलग अलग, कोई प्रॉफिट है, कोई गुरु है, कोई पीर है, कोई पैगंबर है, कोई वॉस है, उन्होंने तो यही बोला कि इवन क्राइस्ट ने भी बोला गॉड इज़ वन। कौन है जिसने बोला कि देर इज़ सो मैनी गॉड? उन्होंने बोला एक पिता के हम बच्चे हैं। तो धरती पे आके धर्म वगैरह जो है ये मैन मेड है, ये गॉड मेड नहीं है, कास्टिज्म भी और धर्म भी। इसके नाम पे मेरा ख्याल है नहीं लड़ना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि अगर लड़वा रहे हैं तो पड़ोसी का कसूर निकालने से पहले, जी मेरे बच्चे को पड़ोसी ख़राब कर रहा है तो बच्चे को ठीक करो। तो ये ना लड़ो, उनको बोलो कि हम भी इकट्ठे हैं, हम हर धर्म का एहतराम करते हैं, कहते सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसीलिए कहते हैं यहाँ गुलदस्ता है, अलग अलग धर्मों का गुलदस्ता है, इकट्ठे रहने वाले लोग हैं।